नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं अपने बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में कल क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूरोप मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी फ्रेंड्स ये बता दूँ कि आज रात को यूरोप मार्केट में यानी अमेरिका में उसका इन्फ्लेक्शन रेट आने वाला है, तो उसके ऊपर टुमोरो हमारा मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा वो हमें देखना है। फिलहाल अभी 8:10 हुई है रात को, तो रात को एक्सिस निफ्टी यहाँ पे आप देख चेक करोगे तो 111 पॉइंट माइनस है। डीजे यानी डाउन जस 282 पॉइंट माइनस है और डीजे फ्यूचर है वो 500 पॉइंट के करीब वो माइनस है फ्रेंड्स अभी। लेकिन रात को क्या डेटा आता है उसके ऊपर हमें पता चलेगा कि टुमोरो गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। अगर फ्रेंड्स यस्टरडे मैंने जो आपको लेवल दिए थे तो बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करोगे तो उन्होंने गैप अप ओपन किया था फ्रेंड्स। गैप अप ओपन कितने पे हुआ था, उसका गैप अप ओपन हुआ था 34,263 के ऊपर ओपन हुआ था और मैंने फ्लैट जोन दिया था आपको 35,200 से लेके 34,970। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ से जैसे गैप अप ओपन हुआ वहाँ से हाई मार के सीधा डायरेक्ट नीचे आ गया और मैंने जो डाउन साइड में पहला लेवल दिया था आपको 34,750-37,30 के करीब, तो उसने लो मारा है फ्रेंड्स करीबन 34,757 के करीब उसका लो मारा है बैंक निफ्टी ने आज। तो आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। इससे पहले हम एक फ्लैट जोन ड्रॉ कर लेते हैं हर बार की तरह। तो कल के लिए फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन यहाँ से लेके यहाँ तक 34,900 से लेके 34,750। अगर फ्रेंड्स कल फ्लैट ओपन होता है बाई चांस, जिसकी पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं लग रही है, फिर भी मैं लेवल ले लेता हूँ आपको। अगर फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर 34,900 ब्रेक करता है तो अपसाइड का लेवल आ सकता है पहला 34,990 और दूसरा लेवल आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 35,137। और आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ से ऊपर से नीचे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो हो सकता है अगर यहाँ पे आने के बाद फिर से नीचे भी घूम सकता है बैंक निफ्टी, या फिर एक सीनियर ये भी बन सकता है अगर इन्फ्लेक्शन डेटा अच्छा आया तो गैप अप ओपन हो सकता है। और अगर समझ लो यहाँ पे ओपन होता है गैप अप 35,100 से लेके 35,200 और वहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है 5 मिनट की तो हम पुट बाई कर सकते हैं उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के। और अगर 34,750 ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में फ्रेंड्स 35,000 ये पकड़ लेता हूँ मैं 560। और दूसरा टारगेट आ सकता है अगर ज़्यादा नेगेटिव आया उसका डेटा 34,350। तो यहाँ पे जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी कल फिल हो सकता है फ्रेंड्स। और अगर ज़्यादा 300-400 पॉइंट माइनस ओपन होता है बैंक निफ्टी तो हम हेमे कंडल बनने का वेट करेंगे 5 मिनट की स्टार्टिंग में, उसके बाद हम कॉल बाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। आइए देखते हैं 1 डे के अंदर में क्या सीनियर बन रहा है बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेक करोगे कि 1 डे के अंदर पूरे बेरिश कैंडल बन चुके हैं आज, उसके लो को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली वो नीचे जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, क्या ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे की साइड में, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पे, तो बहुत ही काफ़ी गैप पड़ा हुआ है नीचे सपोर्ट के लिए और ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन नीचे ऐसे आ रही है। ओके, तो देखते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। आइए देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है टुमोरो के लिए। इस निफ्टी में अगर मैंने बताया था आपको उसका 16,075 से लेके 15,980 के बीच में ओपन होता है जो मैंने फ्लैट जोन दिया था, लेकिन उसका ओपनिंग ही हुआ गैप अप ओपन ओपन हुआ 16,129 के करीब उसका ओपनिंग हुआ गैप अप, जो मैंने आपको पहला लेवल दिया था 16,120 और वहाँ से वो सीधा डायरेक्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो हमारे लेवल के हिसाब से उसने ओपनिंग नहीं दिया फ्रेंड्स। तो कल के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ हमारा फ्लैट जोन, तो ये हो गया हमारा निफ्टी में फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड। उसका क्लोजिंग हुआ है 15,966 पे उसका क्लोजिंग हुआ है और अगर
16,000 से लेके 15,950 के बीच में ओपन होता है, और अगर अपसाइड में 16,010 या 16,020 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, छोटा सा टारगेट है 16,060, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 16,105। और डाउन की साइड में फ्रेंड्स अगर 15,950 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 15,915, और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 15,850। ये फ्लैट ओपन होता है तब की बात है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उस डेटा के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेगा हमारा टुमारो मार्केट। अगर हो सकता है ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो वहीं पे हम शूटिंग स्टार कैंडल बनने का वेट करेंगे, बाद में ट्रेक करेंगे, और अगर ज़्यादा नेगेटिव डेटा आता है तो गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम कोई हैमर कैंडल बनने का वेट करेंगे, बाद में हम ट्रेक करेंगे कॉल के लिए, या फिर हम कोई प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे उसके बाद हम ट्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।